बाकी बाकी मैं दे दूंगा, बोल जय बब्बा की। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है और आज हम आ चुके हैं महादेव के चरणों में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। आपको दिखाने वाला हूं भोलेनाथ की एक अद्भुत मूर्ति, जो कि बहुत ही विशाल है। और हम आ पहुँचे हैं, थोड़ी देर में आपके दर्शन कराऊंगा, बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइज, हम आ पहुँचे हैं उसी लोकेशन पे। ये देख लीजिए पहाड़, जिसके सामने ही भोलेनाथ जी का मंदिर है, आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो चलते हैं हम सीधे वहीं पर। तो दोस्तों, आप सामने देख पा रहे हो महादेव की बहुत बड़ी मूर्ति है, विशाल प्रतिमा लगी हुई है, ये देख सकते हो आप। आपको करीब से दर्शन कराऊंगा, आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे इस पल का। तो दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो गाइज, हम आए थे जब बहुत तेज धूप पड़ रही थी, तो भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही। देखो कितना सुहाना मौसम हो चुका है, मौसम खुल गया है, मौसम खुल गया है, और थोड़ी देर में मेरे को ऐसा लग रहा है बारिश भी आने वाली है। अगर बारिश आ गई तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हम चलते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं। देख पा रहे हो पीछे बहुत ही विशाल प्रतिमा है, चलते हैं। मेरे से भी इंतज़ार नहीं हो पा रहा है अब। सो गाइज, आप पहुँचे हम और दर्शन करने वाले हैं कुछ ही देर में, आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। बहुत दिनों की सोच रहा था मैं यहाँ आने की, लेकिन मेरा पहले से डिसाइड था कि सावन के पहले सोमवार पर ही वहाँ जाऊँगा। तो दर्शन कराता हूँ विशाल प्रतिमा का भोलेनाथ जी की। हमारे आसपास के एरिया में इससे ऊंची कोई शिव जी की मूर्ति नहीं है। ये देखिए, करीब से दिखाता हूँ, आप भी दर्शन करना दोस्तों। ये देखिए गाइज, कैमरे में नहीं आ रहे हैं भोलेनाथ। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही विशाल भोलेनाथ जी की मूर्ति है, और उसके जस्ट नीचे शिवलिंग। आप लोगों के दर्शन करा देता हूँ, सावन का पहला सोमवार है। ये देखिए, सो गाइज, भोलेनाथ जी के दाईं ओर गणेश जी विराजमान है मूसक के साथ, और माँ पार्वती और कार्तिकेय की मूर्ति भी बहुत बड़ी है, और बाईं ओर नंदी महाराज विराजित है, और बीच में आप देख पा रहे हो महादेव जी की बहुत ही विशाल मूर्ति है, ये देखिए, जो कि दोस्तों पीछे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे जा रहा है उससे स्पष्ट दिखती है, और बहुत ही विशाल और बहुत ही मनोरम दृश्य दिखता है वहाँ से। और यहाँ का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया प्रकृति की गोद में ये मूर्ति है। ये देखिए, पहाड़ी के जस्ट नीचे हैं, और ये आप देख पा रहे हो भारत का नक्शा। तो गाइज, यहाँ का मौसम और ये जगह प्रकृति की गोद में है। ये देखिए, पीछे पहाड़ी है और सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है, और बीचों बीच में भोलेनाथ जी की मूर्ति विराजित है। बहुत ही शानदार लोकेशन पर है, आप कभी आओ, आपका विचार बने कभी तो इस जगह पे जरूर आए। निर्जरना में है श्री चंदेश्वर महादेव।
गाइड मनीष भाई एक से एक सिनेमेटिक शॉट ले रहे हैं अपने देसी ड्रोन से। ये देखिए कैसा क्या वीडियो बना है।